उज्जैन जिले के भैरूगढ़ थाना क्षेत्र में ऑटो गैरेज चलाने वाले व्यापारी के गैरेज में चोरी हो गई, जिसमें करीब 20,000 रुपए कीमत का सामान चोरी हो गया। इस समय लॉकडाउन में व्यापार व्यवसाय बंद है और व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके अपने अपने घरों पर हैं। इसी का फायदा चोर उठा रहे हैं और बंद दुकान प्रतिष्ठानों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोरी की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में व्यापारी बेहद परेशान हैं और बेहद दुखी। इन व्यापारियों का कहना है कि भैरवगढ़ पुलिस को गश्त बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर होने वाली चोरियों पर अंकुश लग सके और हम सभी व्यापारी नुकसान से बच सकें। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भाई बताइए, किस प्रकार से कहाँ पर यह चोरी की वारदात घटित हुई है और करीब कितने की चोरी हुई है और क्या हुआ है बताइए। माता मंदिर के सामने मेरा भतीजा गेरी है, बिलाल एंड बंटी वर्क के साथ मारुति वर्क के साथ है, जिसमें परसों के रोज रात के 11:30 से 12 के बीच में यहाँ चोरी हुई है। देख कुछ ऑटो वाले तीन ऑटो वाले खड़े थे यहाँ पे और पास में शर्मा जी लक्की रेस्टोरेंट वाले ने बताया कि तीन ऑटो वाले खड़े थे। उसके बाद सुबह जब आके मैंने देखा तो मेरी गाड़ी का कांच वगैरह फूटे हुए थे और एसीएम वैगनार से एसीएम निकाला, सफारी में से टेप निकाल दी। वो वारदात की रिपोर्ट मैं थाने में कर चुका हूँ, भैरवगढ़ थाने में। वहाँ से दुबे जी और मेडम आई थी, उन्होंने मौका मुआयना करा और उसके बाद वो लोग चले गए। उन्होंने कहा कि हम लोग फुर्सत में नहीं है, आप कंप्लेंट आके डाल देना, हम कोई और कहीं और बिजी हैं। तो मैंने ठीक है सर इतना बोल के मेरा चोरी चकारियाँ बढ़ी हैं इधर क्षेत्र में, क्या लॉकडाउन के दौरान चोरी चकारियाँ बढ़ गई? बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान चोरी चकारी बढ़ी हैं सर, बिल्कुल साथ ही वारदात हो गई है और सोनी दुकानों में चोरियां हो रही हैं। ये तो और भी ऐसा है, यहाँ गैरेज पे हो सकती है तो किराने दुकान में पान की दुकान नहीं, क्या सुरक्षित रहेंगे? ये भी नहीं रह सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।